हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल हिंदी शॉर्ट एंड शो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आप देखेंगे राजस्थान कोर्ट हिंदी डिक्टेशन फॉर न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स, इसकी गति होगी 100 शब्द प्रति मिनट। टॉपिक का नाम होगा कोरोना पर अंकुश। फ्रेंड्स, डिक्टेशन को स्टार्ट करेंगे 5 सेकंड बाद। रेडी स्टार्ट। कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच यह राहत की बात है कि संक्रमण का पता लगाने के लिए अब रोज़ाना 2 लाख से अधिक टेस्ट हो रहे हैं। यह सिलसिला न केवल कायम रहना चाहिए बल्कि कोशिश यह की जानी चाहिए कि टेस्ट की संख्या और अधिक बढ़े। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करके ही कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद मिलेगी, लेकिन केवल इतना ही पर्याप्त नहीं, आवश्यक यह भी है कि इसके बारे में पूरे देश में एक समान व्यवस्था बने कि किसकी जांच होनी चाहिए और उसके पश्चात किसे घर पर क्वारंटाइन होना है और किसे अस्पताल में भर्ती होना है। अभी भिन्न भिन्न राज्यों ने अलग अलग नियम बना रखे हैं। स्थिति यह है कि दिल्ली में अलग व्यवस्था है और उससे सटे NCR के इलाकों में अलग। जैसे इस बात को महसूस किया गया कि दिल्ली NCR को कोरोना के खिलाफ साझा रणनीति बनाना चाहिए, वैसे ही यह भी समझ जाना चाहिए कि सारे देश की रणनीति एक जैसी होनी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और साथ ही ICMR को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके दिशा निर्देशों पर अलग अलग तरीके से अमल ना हो, क्योंकि जब ऐसा होता है तो लोगों के बीच केवल भ्रम ही नहीं फैलता बल्कि उन्हें अनावश्यक परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। यह परेशानी कई बार मानसिक तनाव का कारण भी बनती है और स्वास्थ्य तंत्र की बदनामी का भी। पैराचेंज। यह देखने में आ रहा है कि कभी लोगों को ज़रूरत ना होते हुए भी अस्पतालों में भर्ती होना पड़ता है तो कभी ज़रूरत पड़ने पर भी भर्ती होने के लिए इंतज़ार करना पड़ता है। यह न केवल कष्टकारी है बल्कि इससे अन्य लोग अनावश्यक रूप से चिंतित होते हैं। इसका कोई मतलब नहीं कि एक जैसी स्थिति से 2-4 लोगों में से कोई तो घर पर रहकर अपना देखभाल करने की सुविधा हासिल करे और कोई अस्पताल में भर्ती के लिए बाध्य हो। इसी तरह इसका भी कोई मतलब नहीं है। कोरोना की जांच के मामले में निजी अस्पतालों के तौर तरीके अलग हों और सरकारी अस्पतालों के अलग, यह तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि निजी अस्पतालों के टेस्ट को सरकारी अस्पताल मान्यता देने से इनकार करे, जब यह स्पष्ट है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से जल्दी छुटकारा मिलने वाला नहीं है। तब फिर यह और ज़रूरी हो जाता है कि कोरोना मरीजों की जांच, उपचार
आदि के एक जैसे मानक तय करने और उन्हें लागू कराने का काम प्राथमिकता के आधार पर हो। कोरोना की जांच और उपचार की एक सुनिश्चित सर्वमान्य और सुगम व्यवस्था बनाकर ही उसके प्रति उपजे भय को कम किया जा सकता है। स्टॉप। फ्रेंड्स, मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप सभी को यह डिक्टेशन पसंद आया हो, तो इस डिक्टेशन को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।